अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ये सूत्र उपदेश का नाम है सलायतन विभंग सूत्र। क्या सूत्र है? सलायतन विभंग सूत्र। सलायतन मतलब स मतलब च, आयतन मतलब इंद्रिय, च इंद्रिय के बारे विस्तार करके बताया गया सूत्र। उसमें भगवान बुद्ध श्रावास्तमी जेतन आश्रम में थे, तथागत भगवान बुद्ध भंते लोगों को ये सूत्र उपदेश दे दिया। पुण्यवान भिक्षु, हम आप लोगों को च इंद्रिया के बारे में विस्तार विभाग करके बता देंगे। ध्यान से सुनिए, योनि सुमनि से कार्य करके समझने के लिए कोशिश करिए, मैं बता दूंगा। जी तथागत बोल दिया सभी बंते लोग। तथागत ने बताया आध्यात्मिक च इंद्रिया के बारे में जानना चाहिए। आध्यात्मिक च इंद्रिया क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। बाहर छह इंद्रिया के बारे में भी जानना चाहिए। छह प्रकार की विज्ञान काय के बारे में, विज्ञान काय के बारे में जानना चाहिए। छह प्रकार की स्पर्श काय के बारे में जानना चाहिए। 18 प्रकार की मन रहने का जगह के बारे में जानना चाहिए। मन रहने का जगह कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के। 36 प्रकार की सत्व पद के बारे में जानना चाहिए। इसका ये छह इंद्रिया के बारे में मौलिक विस्तार ऐसे बताए हैं, ये संगत करके उसको छोड़ दो, ये अपना कर उसको छोड़ दो। और तथागत भगवान बुद्ध की आर्य श्रावक लोग, तथागत भगवान बुद्ध तीन प्रकार की सतिपट्ठान संगत करता है। कितना प्रकार की सतिपट्ठान? तीन प्रकार की सतिपट्ठान को संगत करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध जो संगत करता है, संगत करके जो प्राप्त करके अपना शिष्य लोगों को बताता है जो कुछ, उसी ज्ञान के बारे में भी जानना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध को कहते हैं योगी में से अनुत्तर पुरुष दमसारथी। छह प्रकार की आध्यात्मिक इंद्रिय के बारे में जानना चाहिए ऐसे करके क्या बताए हैं मैंने, किस कारण से बताया है? छह प्रकार की इंद्रिय क्या है? आँख नाम का एक इंद्रिय है, कान नाम का एक इंद्रिय है, नाक नाम का एक इंद्रिय है, जीभ नाम का एक इंद्रिय है, शरीर नाम का एक इंद्रिय है, मन नाम का एक इंद्रिय है। इसके बारे में बताया छह प्रकार की आयतन जानना चाहिए। इसका छह प्रकार की बाहर आयतन क्या है वो किस काम कारण पे बताए? रूप नाम का एक आयतन है। आयतन मतलब सोसाइटी, कंपनी, उसको कहता है आयतन। उसमें बहुत कुछ काम होता है ना, फैक्ट्री वैसा है, नहीं तो बाल बच्चा का आयतन, शिष्य लोगों का आयतन, भंते लोग का आयतन, पैसे कमाने का आयतन, इस आयतन होता है ना, ये आँख को भी आयतन कहता है। क्यों? रूप के साथ मिलके काम करता है, रूप को भी आयतन कहता है। ऐसा तो अभी आप लोग को समझ में आएगा। रूप नाम का एक आयतन है, शब्द नाम का एक आयतन है, गंध नाम का एक आयतन है, रस नाम का एक आयतन है, स्पर्श नाम का एक आयतन है,
विचार नाम का एक आयतन है। ये बाहर छह आयतन के बारे में भी अवबोध करना चाहिए, जानना चाहिए। छह प्रकार की विज्ञान काय के बारे में जानना चाहिए। वो क्या है? आँख का विज्ञान, कान का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जीभ का विज्ञान, शरीर में विज्ञान, मन का विज्ञान। ये छह प्रकार के विज्ञान के बारे में भी अवबोध करना चाहिए, जानना चाहिए। छह प्रकार की स्पर्श काय के बारे में जानना चाहिए। वो क्या है? आँख का स्पर्श, कान का स्पर्श, नाक का स्पर्श, जीभ का स्पर्श, शरीर का स्पर्श और मन का स्पर्श। ये स्पर्श काय, छह प्रकार की स्पर्श काय भी अवबोध करना चाहिए, जानना चाहिए। मन रहने वाले कितना जगह है? 18 जगह है। वो क्या है? आँख के आँख से रूप देख करके उसी रूप देखने के कारण खुशी उत्पन्न होगा तो उस खुशी में मन रहता है। आँख से रूप देख करके दुख उत्पन्न होगा तो उसी दुख का रूप में मन रहता है। आँख से रूप देख करके सुख भी नहीं दुख भी नहीं, उपेक्षा उत्पन्न होगा तो उस उपेक्षा में भी मन रहता है। अभी कितना बताया? तीन। तीन गुना छह 18। इसका मतलब बताइए आप लोग। कान से आवाज सुन करके अगर वो खुशी होता है, खुशी उत्पन्न होगा तो उसी खुशी उत्पन्न होने वाले आवाज पे मन रहता है। दुख उत्पन्न होगा तो दुख उत्पन्न होने वाले आवाज पे मन रहता है। उपेक्षा है तो उपेक्षा उत्पन्न होने वाले मन रहता है। हम ये छोट करके इसीलिए बताते हैं, आप लोग को विस्तार मालूम है इसका, है ना? इसीलिए इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया जीभ के बारे में, बताया नाक के बारे में। नाक से सुनकर उस पर गंध पर खुशी उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होने वाली गंध पर मन रहता है। दुख उत्पन्न होने वाले गंध पर मन रहता है। उपेक्षा उत्पन्न होने वाले गंध पर मन रहता है। खुशी उत्पन्न होने वाले रस पर मन रहता है। दुख उत्पन्न होने वाले स्वाद पर मन रहता है। उपेक्षा उत्पन्न होने वाले स्वाद पर मन रहता है। खुशी उत्पन्न होने वाली स्पर्श पर मन रहता है। दुख उत्पन्न होने वाली स्पर्श पर मन रहता है। उपेक्षा उत्पन्न होने वाली स्पर्श पर मन रहता है। खुशी उत्पन्न होने वाले विचार पर मन रहता है। दुख उत्पन्न होने वाले विचार पर मन रहता है। उपेक्षा उत्पन्न होने वाले विचार पर मन रहता है। छत्तीस सप्त पद क्या है? छत्तीस सप्त पद ये हैं। वो क्या है? गृहस्थ जीवन में रहने के कारण खुशी उत्पन्न होने वाले छह कारण हैं। गृहस्थ जीवन त्याग करने के कारण, निखम, निखम मतलब खाम त्याग करने के कारण, यानी गृहस्थ जीवन त्याग करने के कारण छह प्रकार की खुशी उत्पन्न होता है। गृहस्थ जीवन के साथ संगत करने से छह प्रकार की दुख उत्पन्न होता है। नेकम से भी छह प्रकार की दुख उत्पन्न होता है। गृहस्थ जीवन में रहने के कारण छह प्रकार की उपेक्षा उत्पन्न होता है और गृहस्थ जीवन त्याग करने के कारण छह प्रकार की उपेक्षा उत्पन्न होता है। गृहस्थ जीवन में रहने के कारण छह प्रकार की खुशी उत्पन्न होता है। वो छह प्रकार की खुशी क्या है?
गृहस्थ जीवन का खुशी ये है, वो एक रूप देख लिया, छह प्रकार एक रूप देख लिया, बहुत खुशी उत्पन्न होने वाले, राग उत्पन्न होने वाले, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रूप देखता है वर्तमान में या तो फिर अतीत में देख चुका, वैसा रूप के बारे में मनन करते करते खुशी उत्पन्न होता है मन में। उसको कहता है गृहस्थ खुशी, पहला। दूसरा गृहस्थ खुशी क्या है? कान से आवाज सुनता है या तो फिर अतीत में सुना हुआ आवाज को याद करता है, सुना हुआ गाना को याद करता है, सुना हुआ कुछ आवाज को याद करने पर खुशी उत्पन्न होता है ना, ऐश मजा आता है, वो है गृहस्थ खुशी। दूसरा, तीसरा क्या है? नाक से जो सुन चुका है पहले उसी को याद करके खुशी उत्पन्न होता है, याद से वर्तमान में नाक से सुनकर खुशी उत्पन्न होता है, उसको या उसको उसके ख्याल से खुशी उत्पन्न होता है, या तो फिर जीभ से स्वाद खाना खाते स्वाद लेते खुशी उत्पन्न होता है, अच्छा स्वाद है तो, या तो फिर अतीत में खाया हुआ चीज को याद करके खुशी उत्पन्न होता है। शरीर में वर्तमान मिलने वाले खुशी महसूस करके, स्पर्श को महसूस करके खुशी उत्पन्न होता है, या तो फिर अतीत में हमको ऐसा ऐसा शरीर पे मजा आया है, अच्छा महसूस आया है, उसको याद करके मजा लेता है, खुशी उत्पन्न होता है, या तो फिर वर्तमान में मन में आने वाले विचारों पर याद करके, अच्छा अच्छा विचार आता है ना, अच्छा अच्छा विचारों से मजा आता है, खुशी उत्पन्न होता है, उसी के चलते, या तो फिर अतीत में जो बीता हुआ है क्या अच्छा अच्छा विचार आया था पहले, उसको याद करके खुशी उत्पन्न होता है। ये छह प्रकार की गृहस्थ सुख है। इसका भगवान बुद्ध ने बताया गृहस्थ जीवन त्याग करने के कारण, नेकम के कारण उत्पन्न होने वाले छह प्रकार की खुशी क्या है। ये बहुत सुंदर है, वो क्या है? ये रूप तो हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए वो बदलने वाले स्वभाव को समझकर उसके विरा उसकी उसी रूप पर विराग उत्पन्न होता है, आसक्त नहीं होता है, उसी रूप का अनित्य देख करके, उसका अनित्य को समझने के कारण तथा अतीत में जो था वो सारे रूप भी अनित्य हो चुका है, अभी जो आएगा वो भी अनित्य हो जाएंगे, उसी सारे रूपों के बारे में अनित्य समझकर उसका यथार्थ उसका सत्य अपना प्रज्ञा से देखने के कारण खुशी उत्पन्न होता है। समझ गया? शब्द के बारे में बताइए। शब्द हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए ये क्या करता है, शब्द का असलियत को समझ लेता है, ये शब्द अनित्य है, ऐसे सोच के उसी शब्द पे वो आसक्त नहीं होता है, उसी शब्द को ये स्वीकार नहीं करता है, समझ गए, एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसे करके क्या करता है, शब्द के बारे में अनित्य सोचता है, सोचकर शब्द का अनित्य को वो अपना प्रज्ञा से देखता है, यथार्थ शब्द का यथार्थ क्या है, अनित्य है, अनित्य को देख करके खुशी से रहता है, ये शब्द अनित्य है, अनित्य ध्यान से बहुत खुशी मिलता है, क्यों खुशी, वो कौन सा खुशी है, वो निकम खुशी है, विराग खुशी है, दो प्रकार की खुशी है ना, एक खुशी है राग का खुशी, एक खुशी है विराग खुशी, ये विराग खुशी है, पहले बताया
दूषित। इसके बाद नाक से सुनने वाले गंध सुनकर उसी गंध पर आसक्त नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, उसका असलियत देखते रहता है। कैसे? अनित्य मनन करके। ये गंध भी अनित्य है, पहले भी जो गंध था वो भी अनित्य हो चुका है, हर समय का गंध अनित्य है, ऐसे समझ के वो यथार्थ समाज की खुशी से रहता है। इसके बाद लेने वाले रस आता है जीव में, रस आते समय उसी रस पर आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है रस अनित्य है। अतीत में भी जो रस आया वो भी अनित्य हो चुका है, ये भी अनित्य है, इसका अनित्य यानी कि यथार्थ को समझकर खुशी से रहता है, खुशी उत्पन्न होता है इसी स्वाद के कारण। क्यों स्वाद के कारण खुशी उत्पन्न होता है? यथार्थ को मनन करके, सत्य को मनन करके। इसके बाद शरीर, शरीर पे मन वर्तमान में मिलता है स्पर्श, शरीर पे मिलने वाले स्पर्श से अनासक्त होता है। कैसे? शरीर पे जो कुछ स्पर्श मिलता है वो उसको समझता है स्पर्श अनित्य है, वो स्पर्श मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। अतीत में भी जो स्पर्श था वो भी अनित्य हो चुका है, शरीर में मिलने वाले सारे स्पर्श अनित्य है, ऐसा समझ के रहने के कारण इसको बहुत खुशी उत्पन्न होता है, मन में विचार उत्पन्न होता है। मन में आने वाले विचार वो अच्छा से देखता है, देख के सोचता है ये विचार भी अनित्य है, वो विचार बदल रहा है, बदलने वाले स्वभाव है, ऐसा सोच के उसी विचार पर वो अनासक्त होता है। अनित्य अपना प्रज्ञा से देखता है, अपना प्रज्ञा से देखकर वो खुशी से रहता है। समझ गए ना? अभी हम आपको बताया गृहस्थ जीवन का 6 प्रकार के सुख और निकम्म जीवन का 6 प्रकार के सुख। अभी गृहस्थ जीवन का 6 प्रकार के सुख के बारे में बता दें, वो क्या है? आँख से जानने वाले इष्ट कांत मनाप मनोरम काम संपत्ति से युक्त रूप है, अच्छा रूप है, लेकिन उसी रूप का रूप मिलता नहीं है, देख नहीं सकता है, और ऐसा रूप देख नहीं सकता है, ऐसा रूप मन मन करता देखने के लिए, ऐसा रूप देखेगा तो अच्छा है, ऐसा हमको देखना चाहिए, लेकिन देख नहीं सकता है, उसके कारण दुख मिलता है। या तो फिर अतीत में जो नहीं मिला है वैसा रूप अतीत में खत्म हो चुका है, वैसा रूप के बारे में भी मन करके दुख होता है, वो है गृहस्थ पहला दुख। दूसरा दुख क्या है? कान से सुनने वाले आवाज है, मन आसक्त होता है, राग उत्पन्न होता है, ऐसा आवाज सुनाई नहीं देता है। सोचिए एक सुंदर गाना है, वो गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मेहनत किया सुनने के लिए लेकिन सुनाई नहीं दिया, दुख उत्पन्न हुआ, वो गृहस्थ दुख है, क्योंकि उसमें काम है। इसके बाद क्या है? या तो फिर अतीत में कोई शब्द नहीं सुन पाया, अतीत में भी हम उसी समय ये गाना नहीं सुन पाया, ऐसे करके अतीत में जो बिता हुआ अतीत के बारे में भी सोच के दुख होता है। देखिए वो उस समय हम लोग को याद है चंद्रगुप्त मौर्य देखते समय अंतिम एपिसोड नहीं मिला है, अपसेट हो गया हम लोग, है ना? देखा वो इसके बाद
जीव नाक कोई कोई सुगंध है वो चाहता है ऐसा सुगंध, याद करिए अतीत में जो बीता हुआ सुगंध है, लेकिन अतीत में भी नहीं मिला, एक बार मिला इसके बाद नहीं मिला है, बहुत खोजा खोजा नहीं मिला, दुख उत्पन्न होता रहे ऐसा सुगंध नहीं मिला है, वर्तमान में ऐसा सुगंध हम लोग खोज रहे हैं। हर जगह दुकान दुकान जाके खोजता है लेकिन नहीं मिलता है, दुख उत्पन्न होता है। इसके बाद खाना, वर्तमान में हम लोग अच्छा अच्छा खाना के बारे में सोचते हैं लेकिन उसी खाना नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण दुख उत्पन्न होता है, या तो फिर अतीत में भी हम वो खाना नहीं खा पाए, उसी दिन भी खाना चाहिए था, अतीत के बारे में सोच के दुख उत्पन्न होता है स्वाद के बारे में। आप लोग अभी यौन संस्कार करते सुनते जाइए, अपने से देख के जाइए। इसके बाद शरीर में वर्तमान में जो अभी इसमें लिया तो अच्छा है, थोड़ा आराम किया तो अच्छा है, लेकिन एसी भी नहीं मिलता है, आराम भी नहीं मिलता है, क्या उत्पन्न होता है मन, दुख उत्पन्न होता है। अतीत में अतीत के बारे में सोचता है, अतीत उसी दिन एसी मिलना चाहिए था, एसी नहीं मिला, उसी दिन हमको बहुत बीमार था, कोई सीध दबाना चाहिए था, कोई दबाया नहीं, ऐसे करके अतीत के बारे में स्पर्श के बारे में मनन करके दुख उत्पन्न होता है, या तो फिर विचार के बारे में, कैसे कोई कोई विचार है मन आसक्त होता है, वैसा विचार फिर द्वारा मन में नहीं आने के कारण दुख उत्पन्न होता है, या तो फिर अतीत में नहीं आए उसके बारे में मनन करके दुख उत्पन्न होता है। ये है गृहस्थ जीवन का छह प्रकार की दुख, अभी आप लोग जान गए गृहस्थ जीवन का छह प्रकार की दुख, सुख और नेकम का छह प्रकार की सुख, गृहस्थ का छह प्रकार की दुख। अभी जानेंगे नेकम संगत करने के कारण मिलने वाले छह प्रकार की दुख। ये क्या करता है, पहले जैसा ही है वो आँख से देखे हुए रूप है, उसी रूप पर बिना आसक्त मन से, उसी रूप का यथार्थ को देख के अनासक्त मन से रूप के बारे में वो मनन करता है, समझता है, लेकिन अर्हत तो प्राप्त नहीं किया, वो हमेशा अनित्य मनन करते रहता है आँख से देखने वाले रूप पर, अर्हत प्राप्त नहीं किया। इनका मन में क्या होता है, एक इच्छा उत्पन्न होता है, कैसा है अरहंत लोग यही मनन करके अरहत को प्राप्त किया, हम कब इस अरहत को प्राप्त करेंगे, मेरा मन कब ये सारे रूप से अनासक्त होगा, ऐसा कर एक दुख उत्पन्न होता है, वो नेकम का दुख है, वो दुख में पाप नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो दुख विमुक्ति के लिए है। इसके बाद दूसरा क्या है, कान से सुनने वाले आवाज, अतीत में जो बीता हुआ आवाज है उसका वो आवाज है, वो उत्पन्न होता है, बदल रहा है, खत्म होता है, ऐसा आवाज के बारे में अनित्य रूप से देखता है, अनित्य मनन करते देखता है, फिर भी अरहत्व प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए ये मनन करते रहता है हम कब अरहंत बन जाएंगे, अरहंत लोग जैसा मेरा मन कब बन जाएगा, ऐसा सोच के मन में एक इच्छा उत्पन्न होता है, हम कब हो जाएंगे, यही ऐसा दुख मिलता है। इसके बाद उसी प्रकार बताइए नाक में गंध मिलता है, नाक में गंध मिलने पर भी उसको अनित्य रूप से देखता है, देख के सोचता है अरहंत लोग इसी प्रकार अरहत प्राप्त किए, हम कब करेंगे। इसके बाद जीभ से मिलने वाले स्वाद पर भी ऐसे ही मनन करता है, अरहंत लोग इसी प्रकार स्वाद पे मनन करके अरहत को प्राप्त किया, हम कब करेंगे। इसके बाद
शरीर पे स्पर्श उत्पन्न होता है, उसी स्पर्श पे अनासक्त होता है, विराग उत्पन्न होता है, उसी शरीर पे स्पर्श पर वो अनित्य मनन करते रहते हैं हमेशा, अपना प्रज्ञा से उसका सत्य को देखते रहता है स्पर्श का, उसी समय मन में विचार उत्पन्न होता है हम कब अरहत को प्राप्त करेंगे, अरहत लोग जैसा कब बनेंगे, या तो फिर मन में विचार उत्पन्न होता है, उसी विचार उत्पन्न होते समय उस विचार पर आसक्त नहीं होता है, उसी विचार पे अनित्य मनन करता है, उसी विचार का सत्य देखता है, सत्य मतलब ये विचार अनित्य है, बदल रहा है, खत्म हो जाता है, इनका मन में आता है अरहंत लोग सब मुक्त हो गए हम कब हो जाएंगे, इसी प्रकार दुख उत्पन्न होता है। ये है नेकम के कारण उत्पन्न होने वाले दुख, छह प्रकार के दुख। इसके बाद गृहस्थ जीवन उत्पन्न होने वाले छह प्रकार की उपेक्षा क्या है, आंख से रूप देख करके अज्ञान मूर्ख बहुत गंदगी मन वाले पृथकजन लोगों को जो खरम को जीता नहीं वो उसका खतरा देखता नहीं, ऐसा अश्रुतवान पृथकजन लोगों के पास उपेक्षा उत्पन्न होता है। कान से आवाज सुनकर अज्ञान मूर्ख बहुत गंदगी मन वाले पृथकजन उसका खतरा नहीं देखने वाले अश्रुतवान पृथक जन लोगों का मन में शब्द के कारण उपेक्षा उत्पन्न होता है, वो पृथक जन उपेक्षा है ना। इसके बाद वो ऐसा नाक से सुनकर उपेक्षा उत्पन्न होता है किन का मन में, जो अज्ञान है मूर्ख है मन में गंदगी बहुत है और पृथक जन है वो ऐसा गंदगी खतरा देखता नहीं खतरा संगत करते रहता है, वैसा पृथक जन लोगों का मन में उपेक्षा उत्पन्न होता है। उपेक्षा मतलब सुख भी नहीं दुख भी नहीं, जैसे कि कोई लड़का रूप देख करके सुख भी नहीं दुख भी नहीं मिला, हाँ वो उसका पास उसका क्वालिटीज क्या है उसी लड़का का, अज्ञान है मूर्ख, मूर्ख मतलब समझदारी नहीं ज्ञान नहीं पृथक ज्ञान है आर्य श्रावक नहीं है और वो उसी गंध का खतरा मनन करता नहीं है। इसके बाद शरीर में मिलने वाले स्वाद पर उपेक्षा उत्पन्न होता है किन का मन में, जो मूर्ख है अज्ञान है मूर्ख है मन में गंदगी भरा हुआ है ऐसा पापी आदमी का मन में उपेक्षा उत्पन्न होता है। जैसे कि शराबी आदमी प्रवचन देना जैसा, शराबी आदमी बहुत जोर से दारू पी के प्रवचन देते कोई मतलब है उसको भी पता नहीं चलता हम क्या दे रहे हैं क्या बोल रहे हैं, शराबी का नाशा खाता उतारने के बाद पूछते हम क्या बताएंगे याद नहीं, वैसा है मूर्ख लोग गंदगी मन वाले लोगों का मन में उपेक्षा उत्पन्न होता है सुख भी नहीं दुख भी नहीं रूप देखे। इसके बाद शरीर पे मिलने वाले महसूस पर स्पर्श पर ऐसा अज्ञान मूर्ख उसका खतरा नहीं देखने वाले लोगों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होता है, अतः मन में विचार आने के बाद उसी विचार पर अज्ञान जो मूर्ख है मन में बहुत सारी गंदगी है नीच है पापी है और उसका खतरा देखता नहीं ऐसा पृथक जन लोगों का मन में उपेक्षा उत्पन्न होता है मन में विचार आने के बाद। ठीक है पृथक जन आप जानते हैं ना, ये छह प्रकार की गृहस्थ जीवन का उपेक्षा है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया नेकम संगत करके उत्पन्न होने उपेक्षा क्या है,
निखम का उपेक्षा है, रूप 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 का बदल बदलाव होता है, उसी रूप का रूप के बारे में विराग उत्पन्न होता है, जो रूप का आसक्त बदल सब कुछ देखता है, अनित्य स्वभाव को जान लेता है। पहले रूप भी वैसे ही अनित्य दुख है, बदल रहा है, ऐसा अपना प्रज्ञा से ही देखने के बाद उपेक्षा उत्पन्न होता है रूप पर, सुख भी नहीं दुख, लेकिन ये उपेक्षा रूप भी पार करके देख सकता है, ये उपेक्षा कोई छोटा मोटा नहीं। चौथी ध्यान में अनिष्ट उपेक्षा उत्पन्न होता है ना, वही है वैसे कान से आवाज सुनकर, नाक से सुनकर, जीभ से स्वाद लेकर के, शरीर पे महसूस लेकर के, मन में सोच के उत्पन्न होता है उपेक्षा। कैसे? उसके बारे में अनित्य मनन करके, आर्य सत्य समझ के, उसके बारे में प्रज्ञा समझ के, रूप को भी पार करके उत्पन्न होता है रूप, उसी रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार पर उपेक्षा। ये है निखम जीवन का उपेक्षा। अभी कितना हो गया? 36 सत्व पद, 36 सत्व पद, क्या है? 36 सत्व पद, 36 सत्व पद, याद रखिए, याद करना बहुत जरूरी है। सत्व का पद, इसके बाद और एक बताया, ये संगत करके ये दूर करना चाहिए, ये लेके ये छोड़ना चाहिए, वो क्या है? भगवान बुद्ध ने बताया, नेखम को संगत करके जो कोई छह प्रकार की खुशी उत्पन्न होता है, वो छह प्रकार की खुशी अपना कर, उसी छह प्रकार की खुशी में आकर के गृहस्थ जीवन का छह प्रकार की खुशी को दूर करना चाहिए, उसको पार करके जाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। उसी प्रकार छह प्रकार की खुशी एक संगत करके दूसरा को दूर करना चाहिए। इसके बाद निखम को संगत करके जो कुछ दुख है, निखम के कारण उत्पन्न होने वाला जो कुछ दुख, छह प्रकार के दुख है ना, वो छह प्रकार के दुख संगत करके मन में आता है गृहस्थ प्रकार की मन में उत्पन्न होता है गृहस्थ जीवन का छह प्रकार के दुख, उसी छह प्रकार के दुख को हटाना चाहिए, छह प्रकार की निखम का दुख से आके, इसका मतलब उसको पकड़ के इसको छोड़ना चाहिए। कैसे? दुख उत्पन्न होता है ना, कोई रूप देख के आ रहे हमको नहीं मिला, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुआ है, देखा नहीं, खाना नहीं खा पाता, अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आता, वो रूप रूप देखने का माने ना गृहस्थ जीवन का, तब उसको छोड़ के निखम दुख कैसे पाएंगे? बहुत बार आ जाता है, कैसे पाएंगे बताइए? ऐसे ये रूप अनित्य है, ये बदल रहा है, अतीत में भी ऐसे रूप बदल चुका है, ये रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं, ये रूप हम अतीत में बदल हुआ, छोटा अपना बाहर दूर, और दूर पास, कठोर मुलायम, उत्तम नीच और दूर पास, कई प्रकार की अपना पराया रूप, सारे रूप अनित्य है, वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं, ऐसे करके मनन करके, लेकिन मन में एक दुख उत्पन्न होता है, हम कब अरहंत लोग जैसा बनेंगे? समझ गया? अभी वैसा है। इसके बाद अभी आप लोग समझ में आ गया, निखम संगत करने के कारण उपेक्षा छह प्रकार की मिलता है, उसी छह प्रकार की उपेक्षा को संगत करके गृहस्थ छह प्रकार की उपेक्षा है, वो
छह प्रकार की उपेक्षा को दूर त्याग करना चाहिए, यानी कि पृथक जनता पृथक जन मन को आर श्रावक बनाना चाहिए। समझ गया ना? गेट मेन गेट बंद हो जाएगी। इसके बाद भगवान ने बताया कई प्रकार की विविध प्रकार की कारण के साथ कई प्रकार की कारण संगत करके उत्पन्न होने वाली उपेक्षा है, तथा एक कारण संगत करके एक कारण से उत्पन्न होने वाली उपेक्षा है। दो प्रकार उपेक्षा के बारे में बताया। पहला क्या है? कई प्रकार की चीज के कारण, कई प्रकार के कारण संगत करने के करने से एक उपेक्षा उत्पन्न होता है। दूसरा उपेक्षा क्या है? एक कारण बहुत नहीं, एक कारण संगत करने से उपेक्षा उत्पन्न होता है। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कई विविध प्रकार से उत्पन्न होने वाली उपेक्षा क्या है? रूप के बारे में भी उपेक्षा है, शब्द के बारे में भी उपेक्षा है, गंध के बारे में भी उपेक्षा है, रस के बारे में उपेक्षा है, स्वाद के विस्पर्श के बारे में उपेक्षा है, विचार के बारे में उपेक्षा है। ये है विविध प्रकार की उपेक्षा, बहुत प्रकार की उपेक्षा। एक कारण के कारण से उत्पन्न होने उपेक्षा क्या है? यहाँ आकाशानंचायतन संगत करने से उत्पन्न होता है, या तो फिर विज्ञानंचायतन संगत करने से उत्पन्न होता है उपेक्षा, या तो फिर आखिंचन्यायतन संगत करने से उपेक्षा उत्पन्न होता है, या तो फिर नेव संज्ञा ना संज्ञायतन संगत करने से उत्पन्न होता है। यहाँ एक कारण पर रहता है ना, मतलब ध्यान से ही उपेक्षा उत्पन्न होता है। कौन सा ध्यान? आकाशानंचायतन, विज्ञानंचायतन, आकिंचन्यायतन, नेवसंज्ञा न संज्ञायतन, अष्ट समापत्ति का है ना। पहला ध्यान, दूसरे ध्यान, तीसरे ध्यान, चौथे ध्यान के बाद आकिंचन आकाशानंचायतन, विज्ञानंचायतन, आकिंचन्यायतन, नेवसंज्ञा न संज्ञायतन। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया भंते लोगों को, आप लोग इसी उपेक्षा में आइए। कौन सा उपेक्षा में? आकाशानंचायतन, विज्ञानंचायतन, आकिंचन्यायतन, नेवसंज्ञा न संज्ञायतन उपेक्षा में आकर के बहुत प्रकार की उपेक्षा को छोड़ दीजिए। 18 प्रकार की उपेक्षा है ना, वो उपेक्षा को छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, 6 प्रकार की उपेक्षा, उपेक्षा को छोड़ के इसी उपेक्षा में आइए। बताए भगवान बुद्ध, क्लेश गंदगी गंदगी में बिना आसक्त नहीं होता है ना, उसी अनासक्त में आ करके अनासक्त त्याग करके जो कुछ उपेक्षा है वो एक कारण पे टारगेट किया हुआ है, एक कारण के साथ संगत किया हुआ है, वो दूर कर दीजिए अनासक्त त्याग के। यानी कि ये 4 प्रकार की उपेक्षा भी फिर छोड़ने के लिए बताए। उसी प्रकार उपेक्षा को नष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार उस उपेक्षा को पार कर जाता है। इसलिए बताया ये संगत करके ये छोड़ दीजिए। क्या है? एक प्रकार की उपेक्षा है ना, उसमें आकर के बहुत प्रकार की उपेक्षा को छोड़ दीजिए। इसके बाद बताया क्लेश गंदगी को थोड़ा भी बिना आसक्त होकर के एक उपेक्षा में भी आसक्त नहीं हो जाए, वो भी त्याग कर दीजिए हमेशा के लिए। तथागत भगवान बुद्ध सतिपट्ठान संगत करता है, सेवन करता है, ऐसे सतिपट्ठान संगत करके सम्मा संबुद्ध बन के दूसरों को उपदेश देता है। ऐसा उपदेश देने के लिए उन्होंने तीन प्रकार के सतिपट्ठान को अपनाता है। वो किस कारण से बताया है? पहला सतिपट्ठान है भगवान बुद्ध प्रवचन देते हैं बनते लोगों को, सभी लोग प्रवचन देते हैं, ज्ञान की रास्ता बताते हैं, ये है कल्याण की रास्ता, ये किया तो बहुत समय तक कल्याण हो जाएगा, ये करे ऐसा करेगा तो बहुत समय तक घाटा हो जाएगा, इसलिए ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान बुद्ध प्रवचन देते हैं लेकिन बनते लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसका अर्थ को समझने के लिए कोशिश नहीं करते, योनिसो मनसिकार नहीं करते हैं, बुद्ध शासन से दूर रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध उन लोगों के बारे में कोई खुशी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है, उन लोग नहीं सुनने के कारण तथागत भगवान बुद्ध की मन में क्लेश गंदगी उत्पन्न नहीं होता है। भगवान बुद्ध होश में रहता है, भगवान बुद्ध की मन भटकते नहीं रहता है, मेरा शिष्य लोग मेरा बात नहीं मानता है ऐसा दुख नहीं होता, एक बुंदा भी खुशी भी नहीं उत्पन्न होता है। यह है पहला सतिपट्ठान। दूसरा सतिपट्ठान है तथागत भगवान बुद्ध उसी प्रकार प्रवचन देते हैं लेकिन कोई कोई शिष्य लोग ध्यान से प्रवचन नहीं सुनता है, ध्यान नहीं देता है, अर्थ को समझने के लिए मन नहीं लगाता है, बुद्ध शासन से दूर हो जाता है। लेकिन कोई कोई शिष्य लोग ऐसा नहीं, ध्यान देता है, कान अच्छे से लगा के सुनता है, उसका अर्थ को समझने के लिए कोशिश करता है, भगवान बुद्ध के शासन से दूर नहीं होता है। ये कारण में भी तथागत भगवान बुद्ध खुशी नहीं उत्पन्न होता है, दुख भी नहीं उत्पन्न होता है, वो दोनों छोड़ के अच्छा से होश में रहते हैं, उपेक्षा में रहते हैं। ये तथागत भगवान बुद्ध होश में रहने के लिए ये दूसरी सतिपट्ठान है, इसीलिए भगवान दूसरे लोगों को प्रवचन देने में सब सारो योग्य है। बाकी गुरु लोग क्या करते हैं? अपना रास्ता नहीं अपनाया तो डांटते हैं, बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, सारे गुरु लोग इसके बाद भगवान बुद्ध बताया भगवान बुद्ध अपना शिष्य लोगों पर दया करके मैत्री मन से ये कल्याण होता है ये कल्याण नहीं होता है, ये अच्छा ये बुरा है ऐसा प्रवचन देते हैं। लेकिन श्रावक लोग शिष्य लोग ध्यान से सुनते हैं, झुकने नहीं मारता है, हिलता नहीं है, शरीर हिलाता नहीं है, एक प्रकार से बैठ के रहता है, कान लगा के सुनते हैं, इसका अर्थ हर एक शब्द का हर एक अक्षर का अलग को समझने के लिए कोशिश करता है, मन बहुत लगाता है, उन लोग बुद्ध शासन पकड़ते हैं, बुद्ध शासन से दूर नहीं होता है। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध की मन उन लोगों के प्रति खुशी नहीं उत्पन्न होता है, दुख भी नहीं उत्पन्न होता है, उपेक्षा में रहता है, होश में रहते हैं, उपेक्षा में रहते हैं। ये है तीसरा सतिपट्ठान।
इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ये तीन सतपट्टान को संगत करके अच्छी तरह अपने शिष्य लोगों को अनुशासना करने में सर्व योग्य है। ये हैं तीन प्रकार की सतिपट्ठान। तथागत भगवान बुद्ध को कहता है योगी योगी है ना, योगी लोगों में से अनुत्तरो पुरुष दम सारथी, वो किसी ने बताया है भगवान बुद्ध बता भिक्षु हाथी को दमन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपना हाथी को दमन करने से वो एक ही दिशा में दौड़ता है, या तो फिर उत्तर दिशा में दौड़ता है हाथी के साथ, या तो फिर दक्षिण दिशा में, या तो फिर पश्चिम, या तो फिर पूर्व, ऐसा एक ही दिशा में ही दौड़ते रहता है। घोड़ा को सुधारने वाले आदमी भी चार दिशा में दौड़ता है एक ही बार, एक ही दिशा में एक ही बार दौड़ता है। कुत्ता को सुधारने वाला आदमी भी एक ही दिशा में दौड़ता होगा, कोई भी जानवर को सुधारने वाले व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ता है, जो जानवर जाते उसी पे दौड़ता है भगवान बुद्ध बताए। लेकिन पुण्यवान भिक्षु तथागत भगवान बुद्ध दूसरों को सुधारता है, दमन करता है, दूसरे लोग आने का तो उसको लगाता है, आठ दिशा में दौड़ते हैं एक ही बार, एक ही बार कैसे देखिए आप लोग अमेजिंग हो जाएगा। रूप में रहते हुए अरूप को देखता है ये पहला, आध्यात्मिक अरूप संजीव रहते हुए बाहर रूप देखता है ये दूसरा, ये शुभ संज्ञा है। शुभ संज्ञा मनन करने से समाधि नहीं मिलता है ना, ये शुभ संज्ञा है उसके कारण मन शांत होता है, ये तीसरा है। रूप संज्ञा को पार करके कठोर संज्ञा भी नष्ट होने के कारण कई प्रकार की नाना संज्ञा मनन नहीं करके अनंत आकाश आकाश अनंत आयतन लेके रहता है, ये चौथी दिशा पंचमा दिशा है। आकाशानंत चायतन भी पार करके अनंत विज्ञान चायतन, अनंत विज्ञान है ये, ऐसा करके अनंत विज्ञान चायतन लेके रहता है ये पंचमा दिशा। सभी विज्ञान विज्ञानताय विज्ञान चायतन को पार करके कुछ भी नहीं है वैसा आकिंचन चायतन लेके रहता है ये छठा दिशा। सारे आकिंचन चायतन भी पार करके नेव संज्ञा ना संज्ञायतन लेके रहता है ये सातवां दिशा। सारे नेव संज्ञा ना संज्ञायतन को पार करके संज्ञा वेद निरोध लेकर के रहता है, यानी निरोध समापत्ति लेके रहते है आठवां दिशा। बताया तथागत भगवान बुद्ध दूसरों को सुधारते समय इस आठ दिशा में दौड़ते हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अनुत्तरो पुरुष दम सारथी है। बहुत गहरा है ना, इतना याद रख। इसीलिए ये सलायतन विभंग सूत्र है। सलायतन विभंग सूत्र का शुरू शुरू में जो शॉर्ट कर करके बताए वो हम विस्तार करके नहीं बताए, अपने जानते हैं ना क्या क्या है उसमें है। आभ्यंतरिक आयतन है आ कान नाक, विस्तार जानते हैं। बाहर आयतन क्या है रूप शब्द गंध विस्तार से जानते हैं, और इसके बाद क्या है याद करके बताइए। इस छह प्रकार के स्पर्श के बारे में बताए, रूप देखने के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है, वो सब आप जानते हैं ना, इसलिए हम बता।
शुक्रिया आपके अनित्य दुख अनात्म को समझ करके सभी दुख से मुक्त होने की साधु साधु साधु।